का आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब आएगा वो भी पक्की तारीख बताने जा रहा हूँ आपको, बिल्कुल पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपका आंसर की कब आएगा। तो इससे पहले कि मैं आपको पूरी डिटेल बताऊं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल का बटन भी दबा दे ताकि हम आगे भी कोई वीडियो लाए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इस समय मैं इंडियन एक्सप्रेस के वेबसाइट पे हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस पे। यहाँ पे ही खबर आई है आपके रिजल्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे रिजल्ट के बारे में क्या खबर है। आरआरबी ग्रुप डी आंसर की 2018 द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड बिल रिलीज द आंसर की ऑफ द ग्रुप डी एग्जामिनेशन ऑन 11 जनवरी। द आंसर की ऑफ आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन विल बी रिलीज ऑन January 11, 2019। The online window to raise objection will be available on all region-based official website till January 17। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो रिजल्ट है वो 11 जनवरी को पब्लिश हो जाएगी और जो आप ऑब्जेक्शन करना चाहे कि कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको लग रहा हो कि सही है और बोर्ड ने उसे गलत बताया हो तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन 10 दिनों तक कर पाएंगे जो कि खुली रहेगी 17 जनवरी तक। इसे कंफर्म किया है जो आरआरबी के ऑफिशियल हेड है अंगराज मोहन जी ने। तो चलिए आगे क्या खबर है। आगे एक और इम्पोर्टेंट खबर है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो आपको ऑब्जेक्शन करने हैं वो सिर्फ इंग्लिश में करने हैं। अगर आप हिंदी में ऑब्जेक्शन लिखेंगे, जैसे आपको कोई प्रश्न आया है उसका आपको सॉल्व करके बताने के आपके हिसाब से कैसे आ रहा है, तो उसको आपको इंग्लिश में करके देना होगा। अगर आप हिंदी में ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपकी जो ऑब्जेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी रिजेक्ट। आप ये नोटिस पढ़ सकते हैं, द रेज ऑब्जेक्शन ऑफ आरआरबी ग्रुप एग्जाम द कैंडिडेट्स हैव टू लॉग इन विद द यूजर आईडी एंड नीड गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। रिमेंबर द ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर ओनली इन इंग्लिश। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश में ही ऑब्जेक्शन करने हैं, क्वेश्चन एंड देयर रेस्पेक्टिव अल्टरनेट। तो आपको पता लग गया कि आपका रिजल्ट जो है अब आपका ये बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा। आपको तो ये पता लग गया कि आपका आंसर की जो है 11 जनवरी को आने वाला है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आएगा फरवरी माह में।